अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक इन 45 डेज में आपको खुश आमदीद। आज हम जहाँ पर पहुँचे थे वहाँ से आगे का स्टार्ट करते हैं। तो हमने पेज वगैरह क्रिएट कर लिया था, अब हम आईडी पे हमने कुछ एक्टिविटी कर ली थी। आज हम मज़ीद एक्टिविटी करेंगे और इसके साथ अपलोडिंग भी करेंगे। आज क्योंकि काफ़ी गैप आ गया था तो आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो हम एक्टिविटी देखेंगे। उस दौरान मैं काम नहीं कर पाया इस आईडी पे, लेकिन आज हम इस आईडी को चेक करेंगे कि इस पे क्या एक्टिविटी हुई है और इस पे क्या चल रहा है। तो यहाँ मैंने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी, काफ़ी सारे लोगों को, और ये एक पिक्चर मैंने अपलोड की थी ये 28 तारीख को। और आज मैं 8-10 दिन हो गए हैं, 10 दिन 11 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आप देखें इस पे जो है दो तीन रिएक्शन हमें मिल गए। और जो हमारा पेज था ये बेसिकली मैंने इस पे अपलोड की थी। अब फेसबुक का जो नई अपडेट है उसमें अगर आप अपनी आईडी पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो वो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप किस पेज की ऑप्शन आती है कि किस पेज पे आप शेयर करना चाहते हैं। तो जो हमने पेज क्रिएट किया था ये म्यू मैटर वाला, तो ये पिक्चर जो है वहाँ के साथ साथ यहाँ पे भी लग गई थी। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है और यहाँ से ये भी नज़र नहीं आ रहा कि ये शेयर हुई है। देखें इसमें ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है और टैग वगैरह लगाए, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला इससे, क्योंकि ये बेसिकली एक फॉलोअर हमारे पास ज़रूर आ गया, लेकिन ये बेसिकली पोस्ट जो थी वो आईडी की थी, पेज की पोस्ट नहीं थी। तो इसके अलावा हम इस आईडी में जाके देखते हैं कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। तो यहाँ पे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट में देखें तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई हुई है। ये वो रिक्वेस्ट है जो लोगों ने हमें की है, लेकिन हम इनको एक्सेप्ट करने से पहले हम इनको देख सकते हैं कि इनका ये किस तरह के लोग हैं। यहाँ पे ये वैसे फजूल रिक्वेस्ट आई हुई है, इनको आप चाहें तो एक्सेप्ट करें चाहें तो छोड़ दें। तो इसकी वजह ये है कि हमें चाहिए वो वाले फ्रेंड जो कैट से रिलेटेड हो या हमारा जो कंटेंट है उससे रिलीवेंट जो है ना हमें लोग चाहिए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे देखें ये 260.3 के मेम्बर हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो ये पोस्ट है आप इस पर एक्टिविटी करें आईडी के थ्रू। यहाँ पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लाजमी बात है कि रेलिवेंट है। देखिए इसने जो है ना यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही, अननोन परसेंट है, लेकिन अगर आप ट्राई करते रहें तो आपकी ये जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को सेंड हो जाती है और बहुत सारे को नहीं होती, एक आध को होगी तो उसके आगे जितने फ्रेंड है, जैसे अभी ये इस पर रिक्वेस्ट सेंड हो गई है तो ये आप मैनुअली कर रहे हैं 3-4 दफ़ा, अगर रिजेक्ट होती है तो फिर छोड़ दें, रेस्ट कर दें, अगले दिन चले जाएँ, अगले दिन फिर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें। इस तरह आपके फ्रेंड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो और ये देखें कि कोशिश करें कि जो प्रीमियम कंट्री के लोग हैं उनको ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आप सेंड करें और साथ इस तरह मैनुअल एक्टिविटी करें। बहुत सारे लोग जो है वो चले जाते हैं कि हमने टूल यूज़ करना है, तो बेहतर यही है कि आप मैनुअली काम करें, काम सीखने के दौरान मैनुअल काम करें। जो टूल जितने भी यूज़ होते हैं टूल से आईडी आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होनी है, तो मैनुअल काम करें, मैनुअल काम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना है। तो यहाँ पे जिस को फ्रेंड, ये देखिए मेरे फ्रेंड में आ चुका है ये बंदा जो है ना। तो इस तरह आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते रहें तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी भी शुरू हो जाएगी आस्ते आस्ते इन लोगों से, तो आपके साथ अच्छे खासे लोग जुड़ जाएंगे। अब ये देखिए 3-4 लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिए, तो ये मेरी फ्रेंड में ऐड हो जाएंगे आस्ते आस्ते। जो जो एक्सेप्ट करता जाएगा वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ ये एक्टिविटी करके आपको दिखाऊंगा कि इससे मैं जो फ्रेंड आते हैं हमारे पास उनका हमारे साथ क्या सीन है। बहरहाल जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती हैं वो भी आप इनको देख के अगर आपके मतलब के हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सजेशन में जो लोग हैं वही देखें, ये हमारे सजेशन में आया है, ये पेट से रिलेटेड है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये सजेशन से मैं आपको इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे जो हमारा पेज है पेट से रिलेटेड या कैट से रिलेटेड उससे रेलिवेंट, तो आप इनको साथ साथ ऐड करते जाइए। जैसे ये देखें ये है, तो यहाँ वाले पे जो है ना आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड हो जाएगी, ग्रुप में नहीं होगी। तो आपके लिए इजी हो जाना है, अपने जो फ्रेंड आपने पहले 200-300 सिर्फ फ्रेंड ऐड करने, बाकी फ्रेंड ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में आ जाने या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये इसको 4-5 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो इस पार्ट में हमने ये जो है फ्रेंड अपने गेन करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि हमारे पास देखें 128 फॉलोअर हो चुके हैं इसके। तो आप आस्ते आस्ते जो जो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ वो हमें रिटर्न होके जो है ना मजीद फ्रेंड हमारे पास आ जाए। तो इसके अलावा देखें ये जो लोग हैं इन्होंने मुझे टैग किया हुआ, मेरी जो आईडी है इसको टैग किया है उन्होंने,
ये मेरे पास अभी मैंने 2-3 दफ़ा स्क्रॉल किया तो इस पे व्यू चला गया, ये जो है ये पिक्चर इस पे भी इम्प्रेशन चला गया जिसने मुझे टैग किया है, ठीक है, इसने 56 लोगों को, 57 लोगों को टैग किया, तो इस पिक्चर पे टैग चला गया। अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसमें देखें नीचे इसने लिंक भी दिया हुआ है, तो इस तरह ये मेरी पिक्चर है। अगर मैं यहाँ पे इसमें इसको एडिट करूँगा और 7 लोगों को टैग करना शुरू कर दूंगा, जैसे यहाँ पे टैग के ऑप्शन में जाके मैं इन लोगों को टैग कर देता हूँ, तो ये पिक्चर मेरी इन लोगों तक पहुँच जाएगी और उसका मुझे फ़ायदा होगा अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस चल रहा है। तो ये एक्टिविटी है। अभी जो है हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने अपलोडिंग करनी है, वीडियो अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले आप एक चीज़ याद रखें कि ये जो आपकी आईडी है ये प्रोफेशनल मोड में होनी चाहिए, डैशबोर्ड लिखा आ रहा है। तो यहाँ से हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, रील अपलोड करते हैं, तो उसको हमने कैसे लोगों तक उठाना है, तो ये चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट रील पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम वीडियो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे डेस्कटॉप में है ये क्या नाम है, पेट से रिलेटेड फोल्डर है, पेट से रिलेटेड जो फोल्डर है इसमें हमने वीडियो पे जाके यहाँ पे पेट्स 2 में हमारे पास मुख्तलिफ वीडियो पड़ी हुई हैं, हम ये एंड वाली एक वीडियो उठाते हैं। तो इसका क्या करूँगा कि यहाँ से मैं बल्कि इसको एज इट इज़ में जो है ना उठाता हूँ, ओपन करता हूँ, ये वीडियो आ जाए। तो इसलिए हम म्यूज़िक जो है ना इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे हम म्यूज़िक चेंज कर देंगे। और हमारे मेरे पास यहाँ पे एक कुछ जो है वो टैग पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं टैग उठा कर, मेरे पास टाइटल नहीं है, तो आप लोग जो है ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ये आप डाउनलोड करें या डेटा उठाएंगे वहाँ से ये ले लेंगे। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने, सिर्फ आपको समझाना है, बाकी छोटी मोटी जो बारीकियाँ हैं वो आप लोग खुद वहाँ से निकालते रहें, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये कोई भी इसका जो थंबनेल है वो आप इसकी वहाँ वीडियो से ही उठा के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोलैबोरेट की ऑप्शन है, आपने कोलैब करना है, तो वो कोलैब कहाँ करना है, यहाँ से एक और ऑप्शन भी होती है कि यहाँ पे अगर आपका साथ ग्रुप अटैच अभी नहीं हुआ होना तो वो ग्रुप भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, आप ग्रुप को भी साथ लगा सकते हैं। तो ये वाली जो हमारी आईडी है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, तो और यहाँ पे आके हम इसको कोलैब करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि एडिट में जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम इसका जो आरडीओ है, यहाँ पे आरडीओ की ऑप्शन इसने नहीं दी, फेसबुक में बार बार चेंजिंग आती रहती है। यहाँ पे कोई भी हम जो है ना यहाँ से सर्च करते हैं, शायद हमें कोई आरडीओ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही कि कोई अपडेट आ गई है। यहाँ पे आरडीओ आपको मिल जाती होती है, लेकिन फिलहाल शो नहीं हो रही है, एडिट पे आपको आरडीओ होती है। तो आप पहले वाली आरडीओ बंद करके नई वाली आरडीओ यहाँ से लगा सकते हैं और इसको चेंजिंग काफ़ी कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको इसको ऑडियो को थोड़ा लाउड कर लें, यहाँ पे कोई टैक्स लगा दें, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑडियो हमें कोई शो नहीं हो रही, कोई भी हम वैसे लिखते हैं तो हम यहाँ से कोई ऑडियो यहाँ पे फेसबुक की शो नहीं हो रही, ये कोई नई अपडेट है या मेरे इसके तो मसला है। कुछ भी आप टाइप करें तो उससे रेलिवेंट ऑडियो ऑडियो क्लिप आ जाते होते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं, साइडों पे काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिटिंग आपको काफ़ी मिल जाती है, ठीक है। और अब ये देखें ना, ये इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे आप कोई भी ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ से सारा कुछ हो जाता है, अभी म्यूज़िक वगैरह शो नहीं हो रहा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिंक कॉपी किया था, तो हम यहाँ पे क्लैब करेंगे अपनी आईडी के साथ, ठीक है। ये हमारी आईडी आ गई है, ठीक है, ये सेम आईडी है ये वाली, ठीक है, ये आईडी हमारे पास आ गई है, ये पिक्चर वही शो हो रही है ये वाली, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लिंक को हमने कॉपी कर लेना है और आगे चलना है नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ गया, अगर आप ऊपर से पहले ही करें तो अभी यहाँ पे म्यूज़िक नहीं शो हो रहा, पहले यहाँ पे म्यूज़िक आया करता था जो अब नहीं शो हो रहा, अब ये नहीं शो हो रहा, तो इसका मुझे नहीं पता कोई अपडेट आई हो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट आपने रखनी है, कोई प्लेलिस्ट रख लें, अगर आपने ये रिमिक्स दूसरा बंदा अगर आपकी यूज़ करना चाहता है तो उसे अलाउ करें,
ये पब्लिक पे है, आपने जो कुछ लगाना था वो लगा लिया। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शनें जो थी वो मैंने आपको दिखा दी कि ये ऑप्शन लग सकती हैं, और आगे चल के मैं खुद भी अप्लाई करूँगा। अभी ये वीडियो काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनी थी, तो मैं इसलिए सिर्फ ये कह रहा कि आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊँ। और उसके साथ एक चीज़ आप और को बता दूँ कि ये जो आईडी है इसकी लोकेशन यूएसए की नहीं है। मुझे आईडी टीम से मैंने ले ली थी कि आईडी मुझे कोई कुछ दे दो, तो मैंने इसको चेक किया है तो ये यूएसए की लोकेशन नहीं है इस पर, इसकी लोकेशन कोई और है। खैर हम इस पे काम करेंगे, लोकेशन अगर नहीं भी है तो फिलहाल हम इस पे काम करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आना है। और अभी हम देखते हैं क्लैब होती है या नहीं होती। अभी वो लिंक जो मैंने उठाया था वो लिंक यहाँ मैंने पेस्ट किया, जो यहाँ से अपलोड करते हुए मैंने किया था, तो ये वीडियो हमारी लग चुकी है। तो अब इसको एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ आपने यहाँ से देखनी है कि यहाँ पे ये क्रिएटर स्टूडियो में आपकी रील अपलोड हो चुकी है, तो इस पे यहाँ पे आपको कोई फ़िलहाल इशू नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आपको शो होता है कोई इशू और तो वो आप पहले देख लें। यहाँ इसको आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हमने कर लिया। ठीक है, और तो ये जो है हमारी इस जो आईडी है मेन आईडी पे यहाँ पे ये वीडियो आ जानी चाहिए क्लैब होने के बाद। तो ये देखें ये आईडी पे भी ये वीडियो आ गई है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और आपने चेक करनी है, आपने पेज पे जाना है, पेज पे जाके यहाँ पे ये रील है तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे म्यूज़िक या कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पे येलो आपको शो हो जाएगा कि ये म्यूज़िक आपका कॉपीराइट है या वीडियो पे कोई इशू है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पे कोई इशू नहीं है। पेज पे जाके हमने चेक कर लिया है कि हमें प्रमोट की ऑप्शन भी आ रही है और कोई भी इस पे इशू शो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा और क्रिएटर स्टूडियो पे भी हमें कोई इशू नहीं फेस हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमारी रील चल जानी है। अभी ये देखिए ये लिंक मैंने क्लिक कर दिया था, ये हो गया था, इस वजह से ये अब यहाँ पर इसने शो नहीं होना। तो ये हमारा पेज है और इस पर ये सारे जो हमारी रील है ये लग चुकी है। ठीक है, अब ये देखें पेज पे जो हमारे नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे कोई मैसेज भी आया पड़ा हुआ है। खैर अब क्या करना है हमने कि अपनी आईडी पे जाना है। अभी मैं आपको यहाँ पे हमें जो है ना वो पिक्चर लगाऊंगा, कोई भी पिक्चर ढूंढने के लिए हमें फोल्डर में ये पिक्चर हमारी पड़ी हुई है, तो हम यहाँ नीचे से कोई भी पिक्चर उठा लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वो डॉग्स से रिलेटेड पिक्चर थी तो हम इसको कॉपी करके ओपन करते हैं। ये देखिए ये पिक्चर आ गई है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके हम सिर्फ यही लगाते हैं, टैग सब लगा देते हैं। ठीक है, टैग लगा देते हैं और इसको एडिट करके यहाँ पे आपको जो इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है यहाँ पे आप इसको कैट कर दें ताकि ये कैट के सर्च में आ जाए। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें ये आपका पेज सारे शो हो रहे हैं कि आपने किस पेज, ये पेज असल में वो आईडी, ये वैसे फालतू पेज बने पड़े रहते हैं हमारे पास, जब हमें ज़रूरत होती है तो उनके नाम चेंज करके हम यूज़ करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पेज है। तो ये हमारा पेज बना हुआ है व्यू वाला, हम इसको साथ कर लेते हैं। ये देखें 124 फ्रेंड है और ये हमारा पेज है जिस पे एक फॉलोअर है, हम ये पोस्ट करेंगे तो ये हमारी जो आईडी की जो होगा पिक्चर वो पेज पे भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो पेज है उस पे भी लग गई होनी है। तो अब पहले हमने क्या किया कि हमने पेज पे रील लगाई जो हमारी आईडी पे चली गई, इस तरह जो हमने जो आईडी पे एक्टिविटी की वो पेज पे चली गई, मतलब दोनों तरफ से आप खेल रहे हैं, इधर से उस साइड पे भी और उधर से यहाँ पे, ये फेसबुक आपको परमिशन दे रहा है। इस तरह पहले आपने काम शायद नहीं किसी को करते हुए देखा होगा, ये नई चीज़ है। हम अगट्ठे ही कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी हम अगट्ठे ही मॉनिटर करेंगे क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अभी हमने जो लगाई थी वीडियो पिक्चर वो देखते हैं, तो वो पिक्चर यहाँ पे अभी शो नहीं हुई। ये पिक्चर यहाँ पे भी अपलोड नहीं हुई। यह सिलेक्ट नहीं हुआ पेज, पीछे यहाँ पे लग गई है। अब देखेंगे हमें कल इस पर रिएक्शन आते हैं। यहाँ पे हम अपने फ्रेंड को भी टैग कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन देखे तो इस पर बहुत ज़्यादा मैसेज भी लोगों के आए हुए पड़े थे। तो अभी ये देखें आपको मुख्तलिफ ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने की भी ऑप्शन आ रही है, तो ये हमें देखना होगा कि हमारी ये जो तो पिक्चर है ये पेज पर क्यों नहीं लगी।
ये वाली लग गई थी, लेकिन अभी जो हमने लगाई है वो नहीं लगी, उसकी रीजन भी हमें देखनी पड़ेगी। क्लिक करते हुए शायद क्लिक नहीं हुई। अब ये हमारी जो है वो, अब देखें 8 प्ले हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल पहली री लगाई है हमने और 8 प्ले हमें क्यों मिले हैं? यहाँ पे जो हमारा जो ये है, ये जो हमारे फ्रेंड है उन पे ये पहुंच गई है हमारी रील। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी पहली रील ही, अभी कितने मिनट हुए हैं इसे, बहुत कम टाइम हुआ हुआ, 4-5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 बजे लगी थी अभी, और 6 मिनट हुए हैं। 6 मिनट में आपको 8 व्यूज मिले, तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन अब इसमें मेन इशू ये है कि हमारी जो मेन आईडी है इस पे अभी हमारे पास इतने फॉलोअर नहीं है। अगर इस पे 5,000 फॉलोअर होते तो हमें ज़्यादा व्यूज आते, ज़्यादा जल्दी आते और हमारी ज़्यादा ग्रो करती आईडी। अभी जो है ना यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को टैग भी कर सकते हैं, उससे मज़ीद व्यूज़ बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें 10 व्यू प्लेस होते हैं, तो ये आपके सामने सारा कुछ मैं कह रहा हूँ। और वो लोग कहते हैं 0 व्यूज़, बहुत ज़्यादा इशू आपने सुना होगा, तो 0 व्यूज़ का सोल्यूशन भी आपको नज़र आ गया कि ये आईडी बिल्कुल न्यू फ्रेश आईडी है, इस पे फ्रेंड भी कोई नहीं है, ऐसे ही रेंडम सी आईडी है, ना इसकी यूएसए की लोकेशन है। तो आपने पहली रील लगाई और पहली रील पे ही आपको 8 से 10 व्यूज़ आ गए, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, कोई शेयर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और ये देखें 12 प्लेस हो गए। तो मेरे ख्याल में ये मेथड वर्किंग मेथड है। ज़्यादातर लोग मेथड ऐसे उठा के लगाते हैं जो आपके सामने वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते और सिर्फ बातों में बता रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे 12 व्यूज़ मिल जाने या ज़्यादा हो जाने, तो घंटे डेढ़ के बाद, 2 घंटे के बाद अब पता लगना है इस पर कितने व्यूज़ आते हैं। तो अभी मेथड कंप्लीट भी नहीं है, अभी देखें 1 व्यूज़ और आ गया और मैं यहाँ पे खुद नहीं देख रहा, ठीक है। तो इससे नीचे जो है वो उनकी रीच भी देखें। अभी हमने क्या करना है, इस आईडी पे जो हमें फ्रेंड हमारे हैं जो इरेलीवेंट भी है, हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो वो लोग हैं जो सिर्फ लड़की की पिक्चर देके आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे काम आने। अभी हमने नीचे से यहाँ से मज़ीद फाइंड करना, ये इस वीडियो में पिछली वीडियो की जो कसर है वो सारी मैं यहाँ पे पूरी करके जाऊँगा। तो इसमें अभी आप देखें कि जो मज़ीद पैट से रिलेटेड, अब देखें ये इसको हम फ्रेंड कर लेंगे, ये बर्ड्स हैं लेकिन है पैट से रिलेटेड, आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाएं जो भी आपको पैट से रिलेटेड कोई भी मिलता है तो उसे आप ऐड कर लें अपने साथ फ्रेंड में, वो उसने आपको ज़्यादा फ़ायदा देना है, बाकी सजेशन में जो आ रहे हैं उनको छोड़ के। तो ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बार बार फेसबुक तंग करेगा कि आप इसको नहीं भेज सकते, ये अननोन है, लेकिन यहाँ पे जो होंगे वो सारे आपके मतलब आपको फेसबुक खुद सजेस्ट कर रहा है, तो आप उनको ईजिली फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सारे एक्सेप्ट करें या नहीं, एक दफ़ा ये 500-600 बंदा आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही करेंगे, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ ग्रुप है, ग्रुप में ये कैट वाला ग्रुप है, इसमें देखें यहाँ पे आपको, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हो गया हूँ, यहाँ पे जो नई पिक्चर लगती है यहाँ पे आप खुद भी ट्राई करें, कोशिश करें यहाँ पे कोई ना कोई एक आध पोस्ट भी लगाएं, कमेंट करें इन लोगों को, यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे आप इमोशन वाला कोई भी चीज़ है यहाँ से ये करके सेंड कर दें आपका, मतलब यहाँ पे आपके जो आपका कमेंट होगा, पिछले दिनों मैंने कमेंट किए थे उस कमेंट पे भी काफ़ी सारे, जैसे ये कमेंट है इस पे रिएक्शन आए हुए हैं, इसी तरह मैंने कमेंट किए थे उस पे भी रिएक्शन आए थे, क्योंकि मैं अब ये ग्रुप देखें इस पे 9.1K जो है ना इस पे रिएक्शन है इस पे, तो ये अच्छा ग्रुप है। तो यहाँ पे हम अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे इस कमेंट करके, बार बार एक्टिविटी करके, तो इस तरह आपकी आईडी जो है वो खास एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, हमारे पास 13 प्लेयर थे, हमने अभी तक उस वीडियो को नहीं छेड़ा, तो हम चेक करते हैं कि हमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अभी 13 ही है, जो हमारी जो फ्रेंड है वो बहुत लिमिटेड है, मगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुकी होती वीडियो। फिलहाल हमारे पास 13 प्लेयर्स हैं और सिर्फ इतने ही हमारे पास व्यूज़ हैं, अभी ये कल तक देखेंगे हमें मज़ीद कितने व्यूज़ आते हैं। और इस तरह आपने फ्रेंड वगैरह करने, और जितने आपके पास यहाँ ज्वाइनिंग में ग्रुप हैं, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने पेज भी जाना है, पेज से भी एक्टिविटी करनी है। पेज से एक्टिविटी आपने करनी है ये है कि पेज से भी आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए, तो आपने यहाँ से ग्रुप में जाना है। तो यहाँ पे देखें ये कैट वाला ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये वही ग्रुप है, आपने इस पे भी इससे भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको कौन सी ऑप्शन मिलती है, क्योंकि आप पेज से करें तो आपको फ्रेंड वाली ऑप्शन मुश्किल है मिले, लेकिन आप इससे एक्टिविटी करें, एक्टिविटी से क्या होगा
यहाँ मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने से जो जिस बंदे ने पोस्ट की है वो उस पर उसको नोटिफिकेशन जाएगा। अब अगर तो वो यहाँ पे आता है, मेरा कमेंट देखता है, या उसे मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जिससे 4 लोग ये देखें, ये मेरा कमेंट जो है ना वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि पेज से मैंने किया। तो यहाँ इस ग्रुप में पेज से कमेंट पे पाबंदी है, इसलिए हम यहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक कर सकते हैं। तो हम बाकी ग्रुप में जाएंगे और वहाँ जाके कमेंट करेंगे सैम कि आया वहाँ पे अलाउ है या नहीं है। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अब क्या यहाँ पे मेरा कमेंट हो गया, ये छोटा ग्रुप है, ठीक है, 36 के फॉलोअर है, इसके मेंबर है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं। तो अब क्या होगा कि इस बंदे की ये पोस्ट है, इसको नोटिफिकेशन जाना है, ये एडमिन है। तो एडमिन जारी बात है अच्छी खासी मतलब उसकी रीच होनी है, उसने आके मेरी मेरा कमेंट देखना है। तो अच्छी रीच वाली आईडी जब मेरे पेज पे आएगी, हो सकता है वो मेरे पेज पे क्लिक करके मेरे पेज को विजिट करे, तो मेरे पेज की रीच बढ़नी है इस तरह। तो इस तरह यहाँ पे भी कमेंट हुए हुए हैं। तो ये मैंने क्या करना है कि मैंने एक बंदे के कमेंट को लाइक कर देना है। तो क्या होना है कि इसके पास नोटिफिकेशन जाना है कि उसके कमेंट को किसी ने लाइक किया है और वो पेज से किया है। तो वो क्या करेगा, जब आएगा तो वो क्लिक करेगा, तो वो देखेगा पेज, वो समझेगा आईडी है, पेज है, इस हवाले से वो मेरे पेज को विजिट करेगा। जब मेरे पेज को विजिट करेगा तो क्या होना है कि मेरे पास जो रील पड़ी होंगी पेज पे, वो उस उन पे व्यूज आएगा, और जब एक स्ट्रांग और अच्छी आईडी से मेरे पेज पे व्यू आएगा तो मेरा पेज वायरल होगा, जो मेन इस मेथड की जो जान है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लंबी वीडियो होगी और इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। इसमें चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि मैंने आईडी से जो पिक्चर अपलोड की है वो शो नहीं हुई, तो ये अगली वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा कि वो क्यों शो नहीं हुई, वो होनी चाहिए थी, और दोबारा करूंगा। पहले मैंने की वो हो गई थी, अभी ये तो फेसबुक की कोई बग्स भी हो सकता है या कोई अपडेट भी हो सकती है, ये तो हमें नेक्स्ट चेक करके मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे शो होनी चाहिए थी, जैसे ये शो हुई है। तो खैर नेक्स्ट वीडियो पे हम दोबारा मजीद एक्टिविटी करेंगे, मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, मजीद 2 या 3 रील लगाएंगे और इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। आज के प्रैक्टिकल में आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिल्कुल फ्रेश पेज पे, बिल्कुल न्यू पेज पे एक्टिविटी करके हमने पहली वीडियो पे देखें, ये सिर्फ 13 प्लेयर हैं, आया 13 व्यूज़ हैं, मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिले। इसका मतलब हमारी रीच इतनी है हमारे पेज की, हमने अपना पेज का और आईडी की रीच चेक कर ली है कि हमारी इतनी रीच है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास फ्रेंड नहीं है। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।